हेलो फ्रेंड्स, अब मैं दोस्तों इस वीडियो में आपको ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट के कुछ और डिटेल में डिस्क्रिप्शंस में बताना चाहता हूं और कहां कहां पे आप ट्रेडिशनल वेज के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब जो सेकंड चीज है ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट का, उसको कहते हैं डायरेक्ट इक्विटी। अब दोस्तों इक्विटी मतलब क्या होता है? नॉर्मली इक्विटी मतलब होता है मार्केट, शेयर मार्केट। तो दोस्तों आज के टाइम हम लोगों का जो शेयर मार्केट है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट शेयर मार्केट में से एक है। यहाँ पे हमारे दो एक्सचेंजेस हैं, एक को कहते हैं NSE और एक को कहते हैं BSE। तो NSE और BSE पे आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। बट क्या ये इन्वेस्टमेंट करना इजी है? आंसर इज नो। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, बट अगर आप कर सकते हो, उसके लिए आपका कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आपके पास बस एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आपको प्रोडक्ट की नॉलेज है, अगर आपको मार्केट के बारे में और उस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो आज ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। बट क्या ये आसान है? आंसर इज नो। और क्या इसमें रिस्क है? द आंसर इज यस। बट तो ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं डायरेक्ट इक्विटी है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था पहले कि गोल्ड में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली सेफ है, क्योंकि हमारे पास जो फिजिकल कस्टडी ऑफ गोल्ड होती है वो होती है। बट उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क होता है कि गोल्ड कहीं चोरी हो जाए, कहीं मिसप्लेस हो जाए ड्यू टू एनी रीजन। इसलिए मैंने आपको पहले से कह रहा हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्क होता है सेविंग के कंपेरियर में। और जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट हो रहा है आज के टाइम। तो दोस्तों डायरेक्ट इक्विटी के थ्रू आप बेसिकली किसी भी कंपनी में शेयर्स परचेज कर सकते हैं। और वो जो शेयर्स है दोस्तों, आपको कहाँ पे मिलेगा? ऑन द BSE एंड NSE प्लेटफॉर्म। कितना खरीद सकते हैं? मिनिमम एक शेयर, और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं होती है। तो आज ही अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है, तो आज ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पकड़ें और डीमैट अकाउंट खुलवाएं, ताकि आपका जो डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो। बट फिर से मैं कहना चाहूँगा, विदाउट नॉलेज इसमें काम करना बहुत रिस्की है, क्योंकि इसमें कई बार पैसा जीरो होने के भी चांसेस है, अगर कंपनी के शेयर के प्राइसेस डूब गए तो। अब दोस्तों जो दूसरी चीज है जिसको इंडिया लव करता है, मतलब हम इंडियंस बहुत पसंद करते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है, वो है आज के टाइम रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट दोस्तों क्या है? रियल एस्टेट आज के टाइम पे एक ऐसा प्रॉपर्टी और का एक बिजनेस है, जिसमें हम लोग या फिर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर प्रॉपर्टी रहने के लिए ले रहे हैं। तो आज के टाइम दोस्तों रियल एस्टेट में दो तरीके का कंसेप्ट है, एक है खुद के रहने के लिए जिसको कहते हैं फॉर हाउसिंग, और एक को कहते हैं कमर्शियल। तो एंड यूज के लिए एक होता है और एक होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो इंडिया में काफ़ी लोगों को पसंद है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा रिटर्न जिसने पास्ट में दिया है। तो इसीलिए रियल एस्टेट भी दोस्तों आज के टाइम एक हमारा बेसिक ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट में ही आता है। काफ़ी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आज के टाइम रियल एस्टेट में और सक्सेसफुली पैसा कमा रहे हैं। बट रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना हमेशा एक, उसमें भी एक रिस्क होता है, लीगल रिस्क होता है, प्रॉपर्टी के ओनरशिप का रिस्क होता है। तो आज अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो कृपया आपने फिर से मैं कहना चाहूँगा, अपने एक बार असेसमेंट कीजिए, अपने प्रॉपर्टी के बारे में जानिए और फिर उसमें इन्वेस्ट कीजिए। लोगों को लगता है रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट बहुत सेफ है, बट मुझे लगता है सेफ तो है ही, बट उसमें अगर नॉलेज के साथ किया जाए तो और भी अच्छा है और सेफ भी है। रिटर्न डेफिनेटली है, लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट ने भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे भी देता रहेगा, क्योंकि हाउस की डिमांड, कमर्शियल स्पेस की डिमांड बढ़ते जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री का पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और हमारी कंट्री का GDP साइज भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों जो दूसरा चीज़ था इन्वेस्टमेंट का, उसको हमने डाला रियल एस्टेट। अब दोस्तों जो दूसरे पॉइंट में एक और टर्म आता है, वो लैंड का। तो लैंड दोस्तों कहाँ कहाँ होता है और लैंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो जिसमें हम लोग कहते हैं लैंड, लैंड मतलब क्या? एक पीस ऑफ लैंड होता है। पीस ऑफ लैंड मतलब जमीन का टुकड़ा। अब इस टुकड़े में दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं ऑल्सो वी कैन इन्वेस्ट मनी इन अ ट्रेडिशनल वे इन लैंड। अब दो तरीके के लैंड होते हैं, एक होते हैं इंडस्ट्रियल, एक होते हैं एग्रीकल्चरल। वहाँ पे डिपेंड करता है कि आप एक इंडस्ट्रियल लैंड परचेज कर रहे हो या एक एग्रीकल्चरल लैंड परचेज कर रहे हो। बट लैंड में भी इन्वेस्टमेंट एक ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट ही होता है, उसमें भी रिस्क काफ़ी है और रिटर्न भी काफ़ी है। और जिनको लैंड से प्यार है, वो आज के टाइम लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं, और रिटर्न भी लैंड के इन्वेस्टमेंट में भी कम नहीं है। तीसरा चीज दोस्तों, PMS एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट इक्विटी बताया, जैसा कि मैंने आपको म्यूचुअल फंड बताया, उसी का एक पार्ट होता है PMS। सपोज आपके पास 25 लाख या उससे ज्यादा कैपिटल है
इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज ही आप अपने पीएमएस के लिए आप अपने एडवाइजर या अपने म्यूचुअल फंड कंपनी के पास संपर्क करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीएमएस का जो फंड मैनेजमेंट होता है वो काफ़ी फोकस्ड होता है, वो काफ़ी क्लाइंट ओरिएंटेड होता है और उसमें भी काफ़ी रिटर्न अच्छा आ रहा है, मैंने देखा है। बट उसकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेबी की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 25 लाख एंड अबव। और एक होता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बेसिकली कई सारी कैटेगरीज का होता है, पर जो नॉर्मल कैटेगरी है CAT 1 CAT 2, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ट्रेडिशनल है, बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फंड की वो यहाँ पे 1 करोड़ होती है। तो इसलिए जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड हमारा जो प्रोडक्ट है ये ट्रेडिशनल में ही आता है, बट इट इज़ ओनली फॉर अल्ट्रा नेट हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स, जिसको हम UHNI बोलते हैं। हाई नेटवर्थ क्लाइंट वो होते हैं जिनके पास हाई कैपिटल, हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी और हाई पैसा होता है, तो उनके लिए ये एक प्रोडक्ट है। ये भी एक ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट ही है, बट क्या आपके मेरे लिए है? शायद हो सकता है आपके लिए, बिकॉज जिस दिन आपकी नेटवर्थ अल्ट्रा HNI की होगी तो आप एक AIF करके जो प्रोडक्ट है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथी चीज़ दोस्तों, जिसको कहते हैं चिट फंड्स या फिर NCDs, इसके अंदर दोस्तों एक NCD भी आता है जिसको कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इसमें क्या है दोस्तों कि आपका पैसा एक फिक्स्ड अमाउंट लगता है मार्केट में और जिसके थ्रू आप उसमें पैसा डालते हैं। बट दोस्तों क्या ये सेफ है? आंसर इज थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि जो चिट फंड्स होते हैं उसमें कई सारे घोटाले हुए हैं, कई सारा फ्रॉड हुआ है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो लोग कर ही रहे हैं, बट विदाउट लैक ऑफ नॉलेज और विदाउट लैक ऑफ गुड साउंड कंपनी एंड मैनेजमेंट अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया रिटर्न के लालच में आके, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा डूबने का चांस है, लॉस होने का चांस है। याद रखिएगा हमेशा चिट फंड कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले सोचें, और ये भी एक ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैंने आज आपको बताया है। इसी के बाद एक होता है NCD। तो दोस्तों आपको पता होगा कई सारी कॉर्पोरेट्स होती हैं वो NCD इशू करती हैं। नॉर्मली जो ये इशू करती हैं वो NBFCs होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसमें क्या होती है, ये आपको एश्योर्ड रिटर्न देती है ऑन पेपर जस्ट लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, बट इसमें जो टिकट साइज होता है और जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो काफ़ी हाई होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं चिट फंड कंपनी। चिट फंड कंपनी हमेशा NCD, जिसको कहते हैं NCD वो होता है कि चिट फंड से थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन है, बट NCD में भी काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है। कई सारी कंपनियां हैं जिनकी NCDs में भी डिफॉल्ट्स हुए हैं, जिसकी इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी डिफॉल्ट हुआ है। तो हमेशा याद रखिए NCD में जब भी पैसा लीजिए डालिए तो कंपनी के बारे में जांच पड़ताल करके डालिए। लास्ट है दोस्तों जिसको कहते हैं इश्यूएंस ऑफ बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल। जैसे आपको पता होगा कि कई सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉन्ड होती है जिसको हम लोग GSEC कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आपको पता है कोई भी पैसा डूब जाए, किसी के यहाँ भी पैसा डूब सकता है, बट गवर्नमेंट के यहाँ पैसा सबसे ज़्यादा सेफ माना गया है। तो आज के टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिफरेंट स्कीम के थ्रू आपसे पैसा ले रही है और आपको एक फिक्स रिटर्न दे रही है, जिसमें NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपको बॉन्ड पेपर पे लिख के देती है और आपको एक फिक्स रिटर्न देती है। क्या ये इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री? आंसर इज बिल्कुल हाँ, टैक्स फ्री है, और इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। REC का बॉन्ड्स भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्राइवेट जो डायरेक्टली जो ओन्ड कंपनियां हैं उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स है ये काफ़ी एक अच्छा लॉन्ग टर्म में, अगर जिसको सेफ इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए टेक्निक है, और ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमने 5वां पॉइंट जो डिस्कस करी, इसके साथ हमारा जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कंप्लीट होता है। तो आज के बाद अगर आपको कभी भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पे, तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के दें, हम लोग आपके लिए उस टॉपिक पे एक फ्रेश वीडियो बनाएंगे। आप सभी को दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम लोग आपसे विदा लेना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो चैनल अच्छा लगता है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आज ही लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इट्स टाइम टू से गुड बाय। थैंक यू पुष्कर आनंद।